नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे हॉट वायर एनेमोमीटर के बारे में। जो हॉट वायर एनेमोमीटर होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो हॉट वायर एनेमोमीटर जो इसको नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हम एक गर्म वायर का यूज करते हैं जो कि हमारा एक सेंसिंग एलिमेंट होता है। एनेमोमीटर मतलब विंड हो, हवा हो या फिर गैस हो, उसके फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस डिवाइस का, तो उसको हम एनेमोमीटर बोलते हैं। तो हॉट वायर का यूज करके, एक गर्म वायर का यूज करके विंड या फिर गैस की डायरेक्शन का पता लगाना या फ्लो रेट का पता लगाना, उसका कितने फ्लो रेट पे वो बह रही है उसका पता लगाना, तो उसको हम हॉट वायर एनेमोमीटर बोलते हैं। तो एनेमोमीटर क्या होता है, विंड का भी हम इसे पता लगा सकते हैं और किसी गैस का भी। हॉट वायर का हम यूज करते हैं लगभग गैस के लिए, तो हॉट वायर एनेमोमीटर लगभग गैस के फ्लो रेट को बताने के काम आता है। तो जो इसकी डायग्राम है ये हमने बनाई है इसको समझने के लिए। तो एनेमोमीटर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ये एनेमोमीटर की डायग्राम है जो कि हॉट वायर एनेमोमीटर की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे दो लीड्स हैं, लीड वन और ये लीड सेकेंड। ये जो रेड कलर में हमने दिखाई है ये लीड्स हैं। इन लीड्स के बिल्कुल आगे लगी है हमारा सेंसिंग एलिमेंट जो कि सेंस करेगा, जिसको हम हॉट वायर बोल रहे हैं। ये सेंसिंग एलिमेंट है, ये हमारा प्लेटिनम का बना हो सकता है और हमारा ये टंगस्टन का भी बना हो सकता है ये सेंसिंग एलिमेंट। तो ये जो सेंसिंग एलिमेंट है ये अटैच्ड है इन दोनों लीड्स के साथ। ये दोनों लीड्स हैं हमारी सिरामिक के अंदर, सिरामिक बॉडी के अंदर इनको अच्छी तरह से लगाया जाता है। तो ये सिरामिक बॉडी के अंदर हैं। तो ये लीड्स आगे कनेक्टेड हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ आगे कनेक्ट हैं। तो इसका ये जो फंक्शन है ये काम कैसे करता है, देखिए जब भी कोई गैस फ्लो करेगी तो वही सेंसिंग जो वायर है या सेंसिंग एलिमेंट आप इसको बोल लें या हॉट वायर आप इसको बोल लें, कुछ भी बोल लें, जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, जो गैस फ्लो करेगी जिसका हमें फ्लो रेट मेजर करना है, तो इस जब हॉट वायर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये हॉट वायर अपनी हीट इस गैस को दे देगी। तो क्या होगा, ये थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा इसके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा, और इसके रेजिस्टेंस में चेंज आने से, ये कनेक्टेड है व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, जो भी इसके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा उसको हम कन्वर्जन करके माप लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफ्लेक्शन के अंदर, और उस डिफ्लेक्शन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि गैस का फ्लो रेट क्या है। तो इसको मापने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है कॉन्स्टेंट करंट मेथड और दूसरा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेथड। कि कॉन्स्टेंट करंट अगर हम सप्लाई करते रहें तो डिफ्लेक्शन आए तो उसको हम मेजर कर लें तो फ्लो रेट माप सकते हैं, या इस वायर का हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें कि जैसे ठंडा होना लगे इसको हम ओवर करंट दें और उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखें, इसके थ्रू हम माप सकते हैं। तो कांस्टेंट करंट मेथड हम देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पाइप है, इस तरह का कोई पाइप है जिसके अंदर से गैस फ्लो हो रही है, इस तरह से गैस फ्लो हो रही है। जब ये गैस इस वायर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो कांस्टेंट करंट का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में हमने इस पूरे ब्रिज सर्किट को जब इसके साथ कांटेक्ट में लाया तो हमने इसको जीरो पे सेट कर दिया, जो इसकी रीडिंग है वो हमने जीरो पे सेट कर दी, कांस्टेंट करंट हमने इसके अंदर सप्लाई कर दिया कि जीरो पे इस करंट के ऊपर जीरो रीडिंग रहेगी। जैसे ही ये गैस इस हॉट वायर के कॉन्टेक्ट में आएगी, ये हॉट वायर अपनी हीट को इस गैस को देगी, तो क्या होगा, ये ठंडा होना स्टार्ट कर देगी और इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। जितना भी इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो जितनी हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी उसके थ्रू हम माप सकते हैं कि इसका फ्लो रेट क्या है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखा, जैसे ही कांस्टेंट करंट मेंटेन हुआ उसके बाद हमने गैस को फ्लो किया, उसके बाद रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट के अंदर डिफ्लेक्शन आई, रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण तो चेंजिंग आई, जो उसको हम माप लेंगे और उस मापने के बाद इसके रेजिस्टेंस को कितना चेंज आया उसके थ्रू जो सप्लाई उसके अंदर डिफ्लेक्शन आई तो उसको मापने के बाद हम फ्लो रेट का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मेथड है कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड के अंदर हमें क्या करना है, इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम करंट को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो अगर ये
जब यहाँ गैस फ्लो होगी तो ये ठंडा होना स्टार्ट होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि ये दोबारा से उसी टेम्परेचर के ऊपर आ सके जिस पे पहले थी। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जितना भी हम सप्लाई देंगे उस सप्लाई को हम माप लेंगे और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कितना इसका फ्लो रेट है, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या किया, इस वायर का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना है किसी भी कंडीशन में। जो भी डिफ्लेक्शन आएगी इसके ठंडा होने से, जब गैस इसके कांटेक्ट में आएगी, तो हम उतनी ही सप्लाई इसको देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है उसको हम मेंटेन रखें। तो जितना भी हम सप्लाई जो चेंज आएगा उतनी देंगे इसको, तो उसके थ्रू हम फ्लो रेट का पता लगाएंगे। इसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के थ्रू भी हम लगा सकते हैं और कांस्टेंट करंट के थ्रू भी हम कोई भी आप मेथड इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये था हॉट वायर एनेमोमीटर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।